देश में भले ही तीन तलाक पर नया कानून लागू हो गया है, पर आज भी तीन तलाक देना बंद नहीं हुआ है। ताजा मामला रतलाम जिले के ताल का है, जहां एक हीना नाम की महिला को उसके पति ने मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज में इंग्लिश में तलाक 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 लिखकर भेज दिया। तभी महिला अपनी मां के साथ ताल थाने पर पहुंची और पति के खिलाफ लिखी शिकायत की, पर ताल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। महिला दर दर भटकने के बाद वकील के जरिए आलोट कोर्ट तक पहुंची, तब जाकर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल आरोपी पति पुलिस गिरफ्त से बाहर है। रतलाम में तीन तलाक का मामला पुलिस थाना ताल पर दर्ज। पुलिस थाना ताल पर धारा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम वर्ष 2018-19 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज 19 अगस्त के को 12:30 बजे रिंग में आया था। क्या लिखा हुआ था उसमें? कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, तलाक तलाक तलाक। फिर आपने क्या किया उसके बाद? मैंने वो मैसेज को लेके उसकी प्रिंट निकला के ताल थाने पे गई थी पुलिस के करने। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, बोले क्या होता है तलाक तलाक। मेरा आवेदन रख लिया था पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। फिर मैं एसपी साहब करने रतलाम भी गई थी, वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं मेरे वकील साहब के पास आलोट गई थी, उन्होंने आलोट कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के करने मेरा दावा लगाया। उसमें पुलिस ने फिर 18 तारीख को गई थी मैं आलोट, तो यहाँ पे 20 तारीख को ताल थाने पर मुझे बुला के मेरे कथन लेके और मेरा केस दर्ज करा। लगभग 20 दिन बाद आपकी FIR दर्ज हुई है, क्या लगता है आपको पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी? हाँ, पुलिस पता नहीं मेरी सुनवाई नहीं कर रही थी। पुलिस में गई थी, बोले कि आप लोग ऐसा ही करते हो, रुक रुक के पियर में बैठ जाते हो, आदमी फिर दूसरी कर लेता है तो बोलते हो कि उसने दूसरी कर ली और फिर पुलिस के पास आ जाते हो रिपोर्ट लिखाने। थाना पे एक आवेदन मिला था लिखित में कि हिना भी, उसका पति मोहसिन पिता अजीज का, ये मंसूर का रहने वाला, उसने मोबाइल पे 3 बार तलाक तलाक लिख के दिया था। तो उसने आवेदन दिया थाने पे, तो उसकी जांच की गई और आवेदन पे से अपराध पंजीबद्ध किया गया 3/4 विवाह विच्छेद अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नया कानून के तहत मामला? हाँ, नया कानून अभी 2019 में गजट प्रकाशन हुआ, उसी के अंतर्गत अभी FIR दर्ज कर विवेचना लिया। मैडम, सुनने में आया कि कुछ ना कुछ पुलिस की तरफ से कोई लेट लतीफ हुई थी इस काम के अंदर? नहीं, कोई लेट लतीफ नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई आवेदन देता है तो आवेदन की पहले जांच की जाती है, उसके बाद फिर FIR दर्ज की जाती है। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? TI संगीता सोलंकी, थाना ताल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।